जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद स्टडी सेंटर में। मैं आपका साथी अरविंद कुमार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए एक सीट से नया अपडेट जो आया है, उस अपडेट के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। आप लोगों के लिए क्या अपडेट है? तो सीट एट का जो भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है। और हम आपको बता दें कि सीट एट का नया नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, कि आ गया। बहुत सारे ऐसे चैनल पर चल रहे हैं कि नोटिफिकेशन नया जारी कर दिया गया। तो हम आपको बता देते हैं कि सीट एट ने, और बहुत सारे लोगों का एक और क्वेश्चन है जो कि जुलाई होगा या नहीं होगा सीट एट। तो हम आपको बता देते हैं कि सीट एट का न्यू नोटिफिकेशन 2023 के लिए नया विज्ञापन CBSE ने जारी किया और उस पर मोहर लग गया। सभी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन क्या है इसकी सच्चाई हम जान लेते हैं। जिस तरह से सीट एट ने 28 दिसंबर से एग्ज़ाम लिया और 7 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम चला, उसके बाद 14 मार्च को आंसर की जारी किया, उसके बाद 3 मार्च के फाइनल रिजल्ट मिला आपको। तो यानी साफ साफ मानसिकता झलकता है कि साल में 2 बार सीट एट एग्ज़ाम होगा। और मंत्रालय की ओर से भी आपको हरी झंडी मिल गया है कि साल में 2 बार सीट एट होगा, यानी आपका जुलाई सीट एट होगा। तो हम आपको बता दिए जुलाई होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि नया नोटिफिकेशन क्या है। तो नया नोटिफिकेशन अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है, जो भी अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको बता देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कोई खुशखबरी नहीं है, लेकिन हाँ, इस महीने के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा नया नोटिफिकेशन। जुलाई होगा तो आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, आपको 1-1.5 महीना 2 महीना पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप तैयारी करते रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।